नए व्यूअर्स, जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों 1992 में काजोल के ऑपोजिट फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले अभिनेता कमल सदाना 90s के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर्स में से एक हैं। 1993 में दिव्या भारती के साथ आई उनकी फिल्म रंग को जबरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन इस फिल्म के बाद कमल का बॉलीवुड करियर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका जिसकी उम्मीद थी। 21 अक्टूबर 1970 को मुंबई में जन्मे कमल के लिए इनका जन्मदिन किसी सदमे से कम नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे रूह कपा देने वाली एक कहानी है। कमल 20 साल पहले अपने जन्मदिन पर हुई एक भयानक घटना को याद करके आज भी रो पड़ते हैं। दरअसल कमल जब 20 साल के हुए थे तब उनके घर में उनके बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। तभी एक घटना ने उनके होश उड़ा दिए। कमल ने अपने घर के कमरे में गोलियों की आवाज सुनी। वो दौड़कर उस रूम में गए तो देखा पिता ब्रिज सदाना बेकाबू होकर गोलियां चला रहे थे और उनकी गोली से कमल सदाना की माँ सईदा खान और बहन नम्रता की मौत हो गई थी। पिता ने कमल को देखकर उन पर भी गोली चला दी थी जो कि उनकी गर्दन को छूकर निकल गई और वो बच गए। सब पर गोलियां चलाने के बाद पिता ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि कमल के पिता और माँ के बीच अनबन होने लगी थी। जिस दिन ये वाली वारदात हुई थी उस दिन कमल के पिता ने खूब सारी शराब पी रखी थी। कुछ साल पहले दिए गए एक इंटरव्यू में कमल सदाना ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि वो नहीं जानते कि उनके पिता ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया था। कमल के पिता ब्रिज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक और प्रोड्यूसर थे। दोस्तों तमाम अपडेट्स आपको चाहिए इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तो हमारा चैनल है जिसका नाम है सेलेब्स फॉर स्टाइल। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।